हेलो एवरीवन, वेलकम टू फार्मारॉक्स यूट्यूब चैनल। फार्मारॉक्स के यूट्यूब एजुकेशनल चैनल में आपका स्वागत है। सो इन टुडेज वीडियो लेक्चर वी विल स्टडी इन डिटेल अबाउट द डिसीज डायरिया। सो दिस इज आवर पार्ट 2 वीडियो लेक्चर ऑन दिस टॉपिक एंड वी विल डिस्कस इन डिटेल अबाउट द पैथोफिजियोलॉजी, कॉजेस, सिम्टम्स, डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ दिस disease. So let's start in this lecture. So be updated with the pharma knowledge. For that, subscribe the channel and press on the bell icon and never miss any video of Farmarocks. Farmarocks का जो study material है, video lecture, online test series available on our mobile application. So जो हमारे lecture के PDFs होते हैं वो सब हमने Farmarocks की mobile application पर already upload किए हुए हैं। सो ये वाला जो कोर्स है कि स्टडी मटेरियल पीडीएफ्स कि जिसके अंदर आपको सब्जेक्ट वाइज नोट्स, पीडीएफ एंड पीपीडीज ऑफ आवर लेक्चर, रैपिड रिवीजन नोट्स मिल जाएंगे अफोर्डेबल प्राइस में कि जो यूज़फुल रहेंगे जीपैट, नाइपर, डीआई एंड फार्मासिस्ट एग्जाम के लिए। सो ऑनलाइन टेस्ट सीरीज इज ऑल्सो अवेलेबल। इन दिस यू विल गेट 365 टॉपिक वाइज टेस्ट इन 365 डेज। प्राइस इज जस्ट ₹100 is like 28 paisa per day. So you will get MCQ solution, explanation and proper result analysis. So you will get instant test result, proper result analysis and get your rank based on your performance. So this facility available on this app Farmarocks. Download this app Farmarocks Android application on Google Play. सो डायरिया के बारे में हमने जाना था कि स्पेशली कि जो कंडीशन जो प्रोड्यूस होती है जिसके अंदर लूज प्लस वाटरी स्टूल जो है वो प्रोड्यूस होता है और उसकी फ्रीक्वेंसी भी दिन में 3 times और मोर इंक्रीज होती है, वो कंडीशन को हम कहते हैं डायरिया। It is usually last a few days and often disappear without any treatment. Diarrhea can be acute or chronic. Acute diarrhea occurs when the condition lasts for 1 to 2 days. मतलब कि कुछ केसेस के अंदर few days या फिर few hours के अंदर भी ये disease होके automatically disappear हो जाती है without any treatment की। कई बार treatment की भी ज़रूरत नहीं पड़ती और जब condition काफ़ी ख़राब होती है patient की तो उस condition में आप उसको ट्रीटमेंट दे सकते हैं बाय यूजिंग द वेरियस मेडिसिन्स एंड होम बेस्ड रेमेडीज़। तो ये है डायरिया जिसके बारे में डिटेल में हमने पार्ट 1 लेक्चर के अंदर सीखा था। पार्ट 1 की जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। फिर हमने सीखा था कि इटियोलॉजी की जो रीजंस है प्लस जो हम कहते हैं कि कोजेस कि जिसके कारण होता है डायरिया, तो उसके बारे में हमने डिटेल में जाना था कि ये कोजेस लाइक फूड पॉइजनिंग है, इन्फेक्शंस है, ट्रैवलर्स डायरिया, एंटीबायोटिक्स, एंजाइटी, फूड एलर्जी, एक्यूट एपेंडिसाइटिस एंड एक्यूट रेडिएशन एंटेराइटिस, इंटेस्टाइनल आइकेमिया। तो वो सब फैक्टर्स अफेक्ट करते कि किसी को फूड पॉइजनिंग हुआ है तो उसमें भी डायरिया होते हैं। ट्रैवलर्स डायरिया हो सकते कि जब किसी को ट्रैवलिंग के दौरान जब 3 चीज़ों में चेंजेस होते हैं कि एयर, वाटर एंड फूड, ये तीनों में जब चेंजेस आते हैं तो ट्रैवलर्स डायरिया होते हैं। स्टमक फ्लू की जो अलग अलग जो कॉजेटिव ऑर्गेनिजम्स है लाइक वायरसेस, बैक्टीरिया है, फिर जो पैरासाइट्स है वगैरह के कारण भी ये डिसीज़ हो सकती है। फिर किसी को इंटॉलरेंस हो मिल्क का, सोया प्रोटीन का, फूड का इंटॉलरेंस या फिर एलर्जी हो, मेडिकेशंस के एक्सेसिव डोज और साइड इफ़ेक्ट के तौर पे भी डायरिया हो सकते हैं। इन्फ्लामेटरी बाउल सिंड्रोम या फिर डिसीज़, सेलिएक डिसीज़ वगैरह के कारण भी डायरिया होता है। पैथोफिजियोलॉजी में हमने जाना कि डिसीज़ के अंदर क्या होता है, तो हमारे जो बाउल होते हैं कि जो इंटेस्टाइन, तो एक नॉर्मल सिस्टम होती है कि इंटेस्टाइन के अंदर कि नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है कि जो हमारा इंटेस्टाइन है तो नॉर्मल कंडीशन के अंदर हमारा जो इंटेस्टाइन क्या करता है, जो स्टूल है स्टूल में से जो वाटर है वो क्या करता है, रीएब्सॉर्ब। ये खास एक प्रोसेस चलती है कि रीएब्सॉर्प्शन ऑफ वाटर इन नॉर्मल कंडीशन, कि ये वाला जो नॉर्मल है तो वाटर रीएब्सॉर्ब बाय द बॉडी, और उसमें खास इन्वॉल्व है ये इंटेस्टाइन की जो लाइनिंग है वो रिस्पॉन्सिबल है, और वो करती है वाटर को रीएब्सॉर्ब, जैसे जिसके कारण जो स्टूल है उसकी कंसिस्टेंसी मेंटेन्स रहती है, स्टूल की कंसिस्टेंसी कि ना ही ज़्यादा वाटर है ना ही हार्ड, बराबर दोनों के बीच में, कि कंसिस्टेंसी की एक साइड हार्ड कंडीशन है और दूसरी बाजू है वाटरी, तो उसकी सेंटर कंडीशन कि जो हम कह सकते हैं नॉर्मल स्टूल, नॉर्मल कंसिस्टेंसी वाला स्टूल, कि ये वाला समझो कि वाटर बहुत ज़्यादा रीअब्सॉर्ब हो जाएगा तो स्टूल हार्ड हो जाएगा, और वाटर रीअब्सॉर्ब नहीं होगा तो वाटर स्टूल हो जाएगा जिसको हम डायरिया कहते हैं। तो ऐसा ना हो इसलिए जो नॉर्मल कंडीशन जो है वो इंटेस्टाइनल बना कर रखते हैं। बट कुछ केसेस में क्या होता है कि वाटर एब्जॉर्प्शन जो है वो रिड्यूस हो जाता है एंड इंक्रीज वाटर सिक्रेशन, और कि डायरिया के अंदर क्या होगा कि स्टूल हैज़ टू मच वाटर टू रीअब्सॉर्ब, तो जिसके कारण क्या हुआ, जो वाटर रीअब्सॉर्ब नहीं हुआ, कि जो वाटर रीएब्सॉर्ब होने वाला था वो नहीं हुआ, प्लस क्या हुआ दूसरी कंडीशन के अंदर कि इंक्रीज हुआ वाटर सीक्रेशन। तो दोनों कंडीशन में क्या हुआ, इंक्रीज इन वाटर लेवल इन स्टूल, के स्टूल के अंदर फिर वाटर लेवल जो है वो आपका इंक्रीज हुआ, और जिसके कारण जो वाटरी स्टूल प्रोड्यूस होता है, वाटरी स्टूल या फिर जो हम लूज स्टूल कहते हैं, तो वो कंडीशन फिर बन जाती है डायरिया। तो मेजॉरिटी ऑफ एक्यूट डायरियल केसेस आर ड्यू टू द इन्फेक्शियस इटियोलॉजी, की जो इन्फेक्शन है तो जो कोज है इन्फेक्शन वो यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल है, एंड क्रोनिक डायरिया इज कॉमनली कैरेक्टराइज टू 3 ग्रुप्स दैट वाटरी डायरिया, फैटी मतलब कि माल एब्सॉर्प्शन डायरिया, एंड इन्फेक्शियस डायरिया। तो ये थी पैथोफिजियोलॉजी, यही जो हमने समझा कि ये जो नॉर्मल कंडीशन का स्टूल और डायरिया के अंदर वाटर रीअब्सॉर्प्शन काफ़ी डिक्रीज़ हो जाता है, और यहाँ पे नॉर्मली वाटर रीअब्सॉर्ब होता है जिसके कारण स्टूल की कंसिस्टेंसी बनी रहती है। सिम्टम्स जो है डायरिया के फ्रीक्वेंट लूज वाटर स्टूल, एब्डोमिनल क्रैम्प रहता है, पेन रहते हैं, फीवर होता है, ब्लीडिंग, हेडेक होता है, डिजीनेस, फिर बहुत बार स्टूल के अंदर वाटर ज़्यादा जाने के कारण पर्सन को लॉस ऑफ वाटर मतलब कि डिहाइड्रेशन कंडीशन प्रोड्यूस होती है, एंड नोजिया, वॉमिटिंग। तो अब इस कंडीशन को डायग्नोस कैसे करें, तो इसको डायग्नोसिस करने के लिए स्पेशली क्या किया जाता है कि ब्लड टेस्ट किया जाता है, कंप्लीट ब्लड काउंट टेस्ट किया जाता है, स्टूल टेस्ट किया जाता है पर्सन का, एंड ज़रूरत पड़े तो कॉलोनोस्कोपी एंड सिग्माइडोस्कोपी भी की जाती है टू डायग्नोस दिस डिसीज़। अब हमारा जो मेन टॉपिक है वो है कि इसका ट्रीटमेंट कैसे किया जाए। तो ट्रीटमेंट के लिए हमारे पास ऑप्शन है, मेडिसिन के ऑप्शन है, उसके बाद जो होम रेमेडीज़ है वो भी ट्राई कर सकते हैं। सबसे पहला ऑप्शन मेडिसिन, मेडिसिन के साथ साथ होम रेमेडीज़ भी हम अप्लाई करते हैं। फूड की हैबिट चेंज करवाते हैं कि जिसके अंदर कौन से फूड आपको लेने हैं और कौन से एवॉइड करने हैं। डाइट कंट्रोल, ORS एंड न्यूट्रिशन सप्लीमेंट्स, की ORS और न्यूट्रिशन सप्लीमेंट्स वगैरह जो है वो पेशेंट को दिए जाते हैं। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं मेडिसिन्स की। मेडिसिन्स यूज फॉर डायरिया की सेवरल टाइप ऑफ डायरिया ड्रग्स विदाउट अ प्रिस्क्रिप्शन, सेवरल टाइप ऑफ ड्रग्स विदाउट प्रिस्क्रिप्शन मतलब कि जिसको हम कहते हैं OTC, ओवर द काउंटर ड्रग्स, कि जैसे कि इमोडियम, कि जो है लोपरामाइड, हाइड्रोक्लोराइड 2 mg सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल की एंटी डायरियल सॉफ्ट जेल कंट्रोल द सिम्टम्स ऑफ डायरिया की 12 सॉफ्ट जेल्स आती है कि जो डायरिया की जो कंडीशन है उसको काफ़ी अमाउंट में कंट्रोल करता है, आपको डिसीज़ जो है वो आपकी क्योर करता है। तो इमोडियम जो है बिस्मथ सबसैलिसाइलेट, पेप्टोबिस्मोल, केओपैक्टेट एंड दूसरी जो मेडिसिन है वो है लोपरामाइड की जिसको हम कहते हैं इमोडियम। दिस मेडिकेशंस कैन हेल्प एंड स्लो और स्टॉप लूज वाटरी स्टूल। तो ये काफ़ी अच्छे से आपको याद रखना है। तो लोपरामाइड की जिसका ब्रांड नेम है इमोडियम, तो उसको भी प्रिस्क्राइब किया जाता है या फिर डायरेक्टली आप ओटीसी ओवर द काउंटर दोनों अवेलेबल हो जाती है। बिस्मथ सबसैलिसाइलेट कि ये वाला आप देखते हैं कि पेप्टो रिलीफ बिस्मथ सबसैलिसाइलेट 48 टैबलेट से 262 मिलीग्राम की जिसको पेप्टो रिलीफ एंटी डायरियल या फिर अपसेट स्टमक के लिए यूज़ की जाती है। और जो बाजू में जो आप देख रहे हैं मेडिसिन कि एंटी डायरियल सॉफ्ट जेल, तो दोनों आपको खास याद रखना है मोस्ट IMP फॉर एग्जामिनेशन। और एज अ फार्मासिस्ट बेसिक नॉलेज के तौर पे आपको खास पता होना चाहिए कि मेडिसिन्स फॉर डायरिया। तो दिस मेडिकेशंस कैन हेल्प स्लो और स्टॉप लूज वाटरी स्टूल। तो ये थी OTC मेडिसिन्स कि जो ओवर द काउंटर अवेलेबल होती है, विदाउट प्रिस्क्रिप्शन आपको मिल जाती है, बिस्मथ सबसैलिसाइलेट एंड लोपरामाइड। तो दोनों वाइडली यूज मेडिसिन से टू ट्रीट डायरिया। उसके अलावा दूसरा एक ऑप्शन है कि मेट्रोनिडाजोल। मेट्रोनिडाजोल जो है वो दो टाइप से यूज़ होता है कि इंट्रावेनसली IV इन्फ्यूज़न से भी दिया जाता है एज वेल एज उसकी ओरल रूट से टैबलेट। तो ये आपके पास ऑप्शन है टैबलेट्स का ऑफ मेट्रोनिडाजोल और यहाँ पे आपके पास IV इंट्रावेनसली भी आप दे सकते हैं पेशेंट को कि जब पेशेंट की कंडीशन सीवियर है, सीवियर डायरिया के अंदर जब समझो कि टैबलेट से पॉसिबल नहीं हो रहा है तो उस वक्त आप इंट्रावेनस इन्फ्यूज़न भी पेशेंट को दे सकते हैं। तो फ्लैजाइल इज़ यूज टू ट्रीट पैरासाइटिक इन्फेक्शंस इंक्लूडिंग एमेबिक डिसेंट्री एंड डायरिया की एमेबिक डिसेंट्री एंड डायरिया कि जिसके अंदर इन्फेक्शन ऑफ द कॉलन कोजिंग ब्लडी डायरिया। तो ऐसे डायरिया को ट्रीट करने के लिए हम मेट्रोनिडाजोल यूज़ करते हैं, यूज़ ओरली एज वेल एज पेरेंटरली टू ट्रीट द डायरिया। तो यहाँ पे टैबलेट्स पेशेंट को जब समझो कि पेशेंट की कंडीशन ऐसी है कि वो ओरली ले सकता है तो उस कंडीशन में आप पेरेंटरली ओरली पेशेंट को टैबलेट्स देते हैं मेट्रोनिडाजोल की 250 mg एज वेल एज 500 mg, दो अलग अलग स्ट्रेंथ के अंदर यह मेडिसिन अवेलेबल है। एंड मेट्रोनिडाजोल इंजेक्शन USP 500 mg 100 ml स्टराइल नॉन पायरोजेनिक सिंगल डोज कंटेनर फॉर इंट्रावेनस इन्फ्यूज़न। ये जो स्पेशली इंट्रावेनस इन्फ्यूज़न पेशेंट को दिया जाता है टू ट्रीट डायरिया। उसके बाद एक और ऑप्शन है आपके पास सिप्रोफ्लॉक्सासिन का कि सिप्रोफ्लॉक्सासिन 500 mg ट्वाइस डेली फॉर 1 to 3 days, 500 mg ट्वाइस डेली मतलब कि दो टाइम 500 mg ट्वाइस डेली मतलब कि 500 mg आप समझे कि मॉर्निंग में लेता है पेशेंट एंड दूसरा 500 mg उसका डोज लेता है नाइट में। तो ये होगा ट्वाइस डेली और उसको आप 1 से लेकर 3 days के लग समझो कि day 1 को आपने ये प्रीफर करवाया, day 2 को भी कर सकते हैं एंड day 3 कि जब तक कंडीशन ट्रीट या कम्प्लीटली क्योर नहीं होती तब तक ये आप पेशेंट को देते। बट यूजुअली 2 या 3 दिन के बाद जो है वो कंडीशन कंट्रोल हो जाती है ऑफ दिस डायरिया। तो सिप्रोफ्लॉक्सासिन के अंदर भी ऑप्शंस अवेलेबल है आपके पास दो, इंट्रावेनस इन्फ्यूज़न का भी ऑप्शन अवेलेबल है एंड ऑल्सो द टैबलेट, कि ये टैबलेट डोजेस फॉर्म में भी सिप्रोफ्लॉक्सासिन अवेलेबल है, फिल्म कोटेड टैबलेट्स आती है। एंड सेकंड कि आईवी, कि यहाँ पे लिखा है कि फॉर आईवी यूज़ ओनली सिप्रोफ्लॉक्सासिन इंजेक्शन, कि जो इंट्रावेनसली यूज़ किया जाता है टू ट्रीट ट्रैवलर्स डायरिया, कि जिसको हम कहते हैं टीडी, कि जो हमने कोजेस देखा था डायरिया होने का एक है ट्रैवलर्स डायरिया। तो इफ़ यू आर ट्रैवलिंग टू एन एरिया वेयर ट्रैवलर्स डायरिया इज़ पॉसिबिलिटी, यू मे बी प्रिस्क्राइब सिप्रो और सिमिलर एंटीबायोटिक फॉर यू ऑन योर ट्रिप, कि जब समझो कि आप कहीं ट्रैवल कर रहे हैं तो आपकी ट्रिप के ऊपर समझो कि ऐसे चांसेस है ट्रैवलर्स के डायरिया होने के, तो सिप्रोफ्लॉक्सासिन आपको दी जाती है साथ में, या फिर उस वक्त भी आपको प्रिस्क्राइब की जाती है। तो कई बार मेट्रो प्लस सिप्रो दोनों कॉम्बिनेशन में भी दिए जाते हैं पेशेंट को, कि मेट्रोनिडाजोल और सिप्रोफ्लॉक्सासिन दोनों मेडिसिन कई बार कॉम्बिनेशन में भी प्रिस्क्राइब की जाती है। दोनों मेट्रो सिप्रो के इंट्रावेनस इन्फ्यूज़न भी पेशेंट को दिए जाते हैं टू ट्रीट सीवियर डायरिया, के कई बार ट्रैवलर्स डायरिया हो, काफ़ी सीवियर डायरिया की कंडीशन है कि जो नॉर्मल लोपरामाइड से शायद ट्रीट नहीं हो रही है, तो आगे आप मेट्रोनिडाजोल एंड सिप्रोफ्लॉक्सासिन को यूज़ करके डायरिया की जो कंडीशन है उसको नॉर्मल कर सकते हैं। अब जानना ज़रूरी है डिफरेंट होम रेमेडीज़ फॉर डायरिया, की अब मेडिसिन से के साथ साथ होम रेमेडीज़ की जो अप्लाई करना ज़रूरी है, कि जिसके अंदर एक तो हाइड्रेशन, बिकॉज पेशेंट को वाटर प्लस साथ में इलेक्ट्रोलाइट्स देना बहुत ही ज़रूरी है, जिससे उसकी बॉडी जो है वो हाइड्रेटेड रहे, बिकॉज डायरिया के अंदर क्या होता है पेशेंट लॉस द वाटर, कि जो मोशन लूज़ हो जाते हैं या फिर लूज स्टूल के कारण वाटर जो है वो काफ़ी लॉस होता है, प्लस इलेक्ट्रोलाइट्स भी लॉस होते हैं। तो उस कंडीशन में वाटर और इलेक्ट्रोलाइट्स के जो सप्लीमेंट्स है वो पेशेंट को देने ज़रूरी है, कि जिसको हम कहते हैं हाइड्रेशन करना। उसके अंदर प्रोबायोटिक्स देना ज़रूरी है, फूड टू ईट एंड फूड टू अवॉइड। तो ये सभी बातों को हम डिटेल में जानते हैं आगे लेक्चर के अंदर। सो होम रेमेडीज़ फॉर डायरिया, हाइड्रेशन, प्रोबायोटिक्स, फूड टू ईट एंड फूड टू अवॉइड, कि जो प्रोबायोटिक्स के अंदर आप देखते हैं कि योगर्ट है, ब्राट डाइट मतलब कि बी मतलब कि बनाना, आर मतलब कि राइस, ए मतलब कि एप्पल सॉस एंड टी मतलब कि टोस्ट। डिहाइड्रेशन ना हो वो आपको खास ध्यान रखना है। एंड seek emergency treatment if diarrhea lasts more than 3 days, is associated with high fever, severe illness or blood in stool। तो उस वक्त आप ये होम रेमेडीज़ भी ट्राई कर सकते हैं। सो सबसे पहले जान लेते हैं हाइड्रेशन के बारे में, कि हाइड्रेशन फॉर डायरिया, और साथ में जो इलेक्ट्रोलाइट सप्लीमेंट्स दिए जाते हैं, कि आपने ये जाना होगा कि ORS मतलब कि ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्ट या फिर सॉल्यूशन, तो जिसके अंदर कंपोजिशन में आप देख सकते हैं कि सोडियम क्लोराइड है, NaCl, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट काफ़ी लॉस होते हैं डायरिया के अंदर। फिर पोटेशियम क्लोराइड है, KCl, सोडियम साइट्रेट है, डेक्सट्रोज है, अदर एक्सिपिएंट, और समझे कि फ्लेवर के तौर पे ऑरेंज फ्लेवर बनाया होता है, ये फ्लेवर ऐड किया हुआ है। तो ये सिप्ला की एक प्रोडक्ट है जो हम देख रहे हैं यहाँ पे ORS, की WHO रिकमेंडेड फार्मूला के अकॉर्डिंग टू ये ORS बना हुआ था। तो हाइड्रेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन यू हैव ए डायरिया। सो डिहाइड्रेशन फ्रॉम डायरिया कैन बी फैटल इन यंग चिल्ड्रन एंड अदर एडल्ट्स, कि जब काफ़ी लूज प्लस वाटरी स्टूल होता है, तो जिसके कारण पेशेंट क्या करता है कि पेशेंट लॉस द इलेक्ट्रोलाइट प्लस वाटर, तो इलेक्ट्रोलाइट भी लॉस होते हैं एंड वाटर भी बहुत सारा लूज होता है, लॉस होता है इन डायरिया, कि जिसके कारण पेशेंट को डिहाइड्रेशन जैसी कंडीशन प्रोड्यूस होती है। तो डिहाइड्रेशन फ्रॉम डायरिया कैन बी फैटल इन यंग चिल्ड्रन एंड ओल्डर एडल्ट्स। तो ये कंडीशन को क्योर करने के लिए हाइड्रेशन करवाना जरूरी है। सो कंटिन्यू ब्रेस्ट फीडिंग और फार्मूला फीडिंग फॉर इन्फेंट हु आर एक्सपीरियंसिंग डायरिया। कि जब समझो कि इन्फेंट्स है तो उसको कंटिन्यू रखना चाहिए ब्रेस्ट फीडिंग, साथ में ओआरएस सप्लीमेंट्स एंड ओवर द काउंटर ओरल पेडियाट्रिक हाइड्रेशन सॉल्यूशंस लाइक ओआरएस मस्ट बी प्रीफर फॉर दिस। तो ऐसा नहीं है कि ओनली फॉर द पीडियाट्रिक पेशेंट, बट समझो कि ओल्डर पेशेंट है उनको भी आप ओआरएस दे सकते हैं फॉर द हाइड्रेशन, क्योंकि हाइड्रेशन सभी को ज़रूरी है। तो ये टिप्स आपको फॉलो करनी है सबसे पहले हाइड्रेशन की रिगार्डिंग द डायरिया। उसके बाद है प्रोबायोटिक्स, कि प्रोबायोटिक्स जो प्रेफर किए जाते हैं डायरिया के अंदर, कि प्रोबायोटिक्स आर गुड बैक्टीरिया, आर सोर्स ऑफ गुड बैक्टीरिया दैट वर्क इन योर इंटेस्टाइनल ट्रैक टू क्रिएट ए हेल्दी गट एनवायरमेंट। दे आर एसेंशियली लाइव माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट एग्जिस्ट इन सर्टेन फूड इंक्लूडिंग एज्ड सॉफ्ट चीजेज, बीट, कवाज, कॉटेज चीज़, डार्क चॉकलेट है, ग्रीन ऑलिव्स है, मिसो है, नाटो, योगर्ट वगैरह के अंदर क्या प्रेजेंट है? तो गुड बैक्टीरिया, नॉट द हार्मफुल, गुड बैक्टीरिया या फिर माइक्रोब्स प्रेजेंट है, कि वो क्या करते हैं हमारे इंटेस्टाइन के अंदर हेल्दी गट एनवायरनमेंट जो है वो प्रोड्यूस करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं योगर्ट है कि जो कहे जाते हैं प्रोबायोटिक्स। तो प्रोबायोटिक्स भी काफ़ी हेल्पफुल है, इफ़ेक्टिव है टू ट्रीट द कंडीशन लाइक डायरिया। फिर फूड्स टू ईट इन डायरिया, के कौन से फूड आपको खाने चाहिए? तो प्रीफर द लो फाइबर डाइट, लो फाइबर ब्राट फूड दैट हेल्प फॉर्म ऑफ योर स्टूल, एंड दिस इंक्लूड्स द बी। ये जो ब्राट कहा जा रहा है BRAT, तो बी मतलब कि हो गए बनानास, ये वाला आर मतलब कि राइस, सी ए है हमारा ये एप्पल सॉस, एंड डी इज़ द टोस्ट। तो ये हो गया BRAT ब्राट फूड्स की जो मस्ट ईट टू ईट इन डायरिया। अब सेकंड है एवॉइड क्या करना है, तो मिल्क एंड डेयरी प्रोडक्ट्स इंक्लूडिंग मिल्क बेस्ड प्रोटीन ड्रिंक्स, वो आपको एवॉइड करना है। फ्राइड, फैटी, ग्रेसी फूड एंड स्पाइसी फूड, कि यहाँ पे दिखा है कि स्पाइसी, फिर फ्राइड किया हुआ, कि समझो कि काफ़ी स्पाइसी फूड है तो स्पाइसी अवॉइड करिए, फिर काफ़ी फ्राई किया हुआ, फिर ये फैटी फूड्स कि वो काफ़ी डाइजेस्ट करने में डिफ़िकल्टी हो सकती है ड्यूरिंग द डायरिया। प्रोसेस फूड स्पेशली दोज विथ एडिटिव फूड्स, पोर्क और वियल, सार्डिनेस एंड रो वेजिटेबल्स, कि ये जो हम बात कर रहे हैं रो वेजिटेबल्स वगैरह को आपको एवॉइड करना है। यू वांट टू एवॉइड फूड्स दैट एग्रेवेट योर डाइजेशन और फूड दैट कोज एक्सेस गैस। तो ऐसे फूड को व्हाट नॉट टू ईट ड्यूरिंग द डायरिया, तो ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है। उसके बाद एक बहुत बड़ा एक ऑप्शन है स्पेशली कि जो बेबीज़ के अंदर डायरिया होता है, फॉर बेबीज स्मॉल चिल्ड्रंस के अंदर, तो उनके लिए जिंक सप्लीमेंटेशन काफ़ी ज़रूरी है डायरिया के अंदर। तो जिंक सप्लीमेंटेशन इज़ क्रिटिकल न्यू इंटरवेंशन फॉर ट्रीटिंग डायरियल एपिसोड्स इन चिल्ड्रन। रीजन स्टडीज सजेस्ट दैट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जिंक अलॉन्ग विथ न्यू लो ऑस्मोलरिटी ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशंस सॉल्ट्स कैन रिड्यूस द ड्यूरेशन एंड सीवियरिटी ऑफ डायरियल एपिसोड फॉर अप टू 3 months। कि खासकर देखते हैं कि हम छोटे बच्चों के अंदर डायरिया के जो प्रॉब्लम्स है वो काफ़ी इंक्रीज़ होते हैं कई बार। तो ऐसी कंडीशन के अंदर गवर्नमेंट भी ये अलग अलग कैंपेन्स चलाती है कि इन 10 Simplified diarrheal control for night IDCF के give ORS solution and zinc tablets and drive diarrhea away कि not only the ORS but ORS के साथ जिंक, इसलिए जिंक ORS खास कहा जाता है कि जिंक सप्लीमेंटेशन प्लस ORS दोनों आपको है देने हैं टू योर बेबी। तो ड्यूरिंग एंड आफ्टर द डायरिया कंटिन्यू फीडिंग मदर्स मिल्क फ्लूइड एंड सप्लीमेंट्री न्यूरिशमेंट। फिर ड्यूरिंग द फर्स्ट 6 मंथ गिव ओनली मदर्स मिल्क टू द चाइल्ड के पहले 6 महीने तक आपको सिर्फ मदर का मिल्क ही देना है। एंड वॉश योर हैंड्स प्रॉपर एंड मेंटेन द हाइजीन कि जब भी आप बेबी को कंट्रोल करते हो, किसी तरह से उसको केयर करते हो, तो उस वक्त ज़रूरी है प्रॉपर हैंड वॉश करना, हाइजीन कंडीशन एंड सैनिटेशन। तो ये सब इम्पोर्टेंट पॉइंट ज़रूरी है जिंक सप्लीमेंटेशन के। तो जो हम गवर्नमेंट के एडवर्टाइजमेंट्स वगैरह देखते कि ओआरएस का घोल और जिंक दो और दस्त को दूर भगाओ कि दस्त कि जो हिंदी नाम है डायरिया का, कि डायरिया को ट्रीट करने के लिए। और जिंक ओआरएस प्लस जिंक की टोटल 14 टैबलेट्स फॉर बेबीज के दस्त के दौरान बच्चों को ओआरएस और जिंक दोनों जरूर दें। उसके बाद सेकंड पॉइंट देखिए आप, दस्त के दौरान माँ का दूध तरल और खाद्य पदार्थ जारी रखें, 14 दिनों तक जिंक की खुराक देते रहे। मतलब कि ये टैबलेट्स देते हो कि ओआरएस के साथ जिंक की, ये 14 टैबलेट्स भी जो है वो दी हुई है। भोजन से पहले और शौच के बाद साबुन से हाथ धोए। फिर बच्चे का मल दुलाने साफ करने के बाद भी साबुन से हाथ धोएगी, जिससे यह डिसीज़ की जो है वो ज़्यादा फैले नहीं। सो ये है कि हमारे मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, नेशनल हेल्थ मिशन, IDCF वगैरह ये जिंक सप्लीमेंटेशंस के भी कैंपेन्स चलाते हैं टू क्योर दिस कंडीशन। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है कि जिंक की कितनी टैबलेट्स दी जाती है। तो 14 टैबलेट्स। MCQ के लिए भी क्वेश्चंस पूछा जा सकता है कि जिंक ओआरएस के साथ कितनी टैबलेट्स दी जाती है स्पेशल इन बेबीज़ टू क्योर दिस कंडीशन ऑफ डायरिया। सो इफ़ यू लाइक दिस लेक्चर मस्ट शेयर दिस वीडियो कि वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए एंड चैनल को सब्सक्राइब करिए। लिंक को कॉपी करके आप अलग अलग व्हाट्सएप ग्रुप्स में शेयर कर सकते हैं, फेसबुक के न्यूज़ फीड, जीमेल पे आप फ्रेंड्स को शेयर कर सकते हैं, मैसेंजर्स, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, टेलीग्राम ग्रुप सभी के अंदर आप जो लेक्चर को शेयर कर सकते हैं। ऑल्सो ज्वाइन अवर व्हाट्सएप ग्रुप, सेंड योर नेम, सिटी नेम एंड व्हाट्सएप इट टू 9426180836 टू ज्वाइन व्हाट्सएप ग्रुप्स। सो मैसेज टू ज्वाइन अवर व्हाट्सएप ग्रुप, सेंड योर नेम, city name and WhatsApp it to 9426180836. So thank you friends for watching this video. Subscribe channel and press on the bell icon and never miss any video of Farmarocks. Download their Farmarocks Android app on Google Play, Apple Store की भी लिंक आपको description box में मिल जाएगी। So test series, video lecture and study material के लिए download करिए app Farmarocks Android application on Google Play.